या कह रहा है कि मामा जी चले गए तो भाई तया बल्ला है जना तब मिल रहा था कहो मैं सेठ का देते लेत नहीं आई कहा कहा कह दे कि भाई देता था है पैसा पे रोजगार कुछ तो सहारा करी बैठे के दे ही हम बचे का ये कहने शिवराज सिंह चौहान मामा जी को भुला दी बहने क्या अब नहीं कहे तो भुला दे कहे भाग मामा भाग जाए तो फिर बहनिन का भूल जाए गाड़ी उखाड़ी तो उठती नहीं है मसाले का काम करता नहीं है नहीं हो सकता है और जो जितना काम सौंपते हैं वो कुछ काम भी कम कर दें अपने विभाग का ही काम दें अन्य विभागों का काम बंद कर दें। नमस्कार मैं हूं अनुपम अनूप आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा में हो रही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आभार यात्रा सह संवाद कार्यक्रम में। यहां पर स्वयं सेवी संगठनों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूहों के द्वारा भी संवाद का कार्यक्रम किया जाना है। यहां पर हमारे साथ कई सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही महिला स्व सहायता समूह की कार्यकर्ता और सदस्य भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जैसा कि पिछले चुनाव में महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया था तो महिलाओं की अब आगे क्या संभावनाएं हैं क्या उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को लेकर के हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है द खबरदार न्यूज पर और आपका परिचय जानते हुए जानना चाहेंगे कि लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस बार सरकार बनाने में। इस बार जो रीवा के दामाद जी हैं मोहन यादव जी तो उनसे क्या उम्मीद है कौन बहेंगे क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री जी? मैं नहीं कह आप लोगों को जैसे बुलाया गया है यहाँ पर तो क्या बात रखेंगी सीएम साहब से बताइए कम से कम जी। और क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना चल रही है बहनों के हित में बहुत सारी योजनाएं चल रही थी तो मामा जी तो चले गए हैं तो अब उम्मीद क्या अब क्या नहीं कह रहे या कह रहा है कि मामा जी चले गए तो भाई तया बल्ला है। अच्छा। हाँ आप क्या कहे आप विकलामन का लंगर लूलन का अजय माने वृद्धा है उनका पैसा कहाँ चला जाए योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। हाँ योजना तो मिल रहा था कहो मैं सेठ का देते लेत नहीं आई। हाँ वह मत लेता है ना आज मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बातचीत भी करेंगे तो कुछ कहेंगी। हाँ कहेंगे ना क्या कहने वाले कहा कहा कह दे कि भाई देता था है पैसा पे रोजगार कुछ तो सहारा करी बैठे के दे ही हम बचे का गोड़ हाथ नहीं चले तब पैसा के मनाई खाए रोजगार लेबे कर अब यहाँ से तो ओमा पैसे ना चाहिए दे का है या तो ना करी के दे हम तब लेब ना है पैसे की जगह में रोजगार दें है ना। हाँ कुछ काम करे का दे हाथ गोड़ चलाई बैठ के अपने तब ना भरा भोखा। आप लोग तो स्व सहायता समूह से हैं आप लोगों को तो रोजगार के लिए वैसे भी पैसे दिए जाते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं तो का पैसा दे कर नहीं ले आता है लागत है ना ये तो नहीं फ्री में दे लगा कि फ्री में दे दिया बहन हरे खा ले राज करा जब कमा के ले आऊ तब ना दे अब मामा जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो दुख है इस बात का दुखाई नहीं सब दुख सब दुख है अपने ओहिम से ना आबा है के को मामा जी को भुला दी बहने क्या इस बात मामा जी आ जाए भाई आ जाए बहने हन का देखा है का पाखा को बुलाई नहीं तो ये कहने शिवराज सिंह चौहान मामा जी को भुला दी बहने क्या अब नहीं काहे का भुला दे काहे भाग मामा भाग जाए तो फिर बहनिन का भूल जाए नहीं नहीं भुलाया। आज पहली बार सीएम साहब आ रहे हैं कैसे देखती हैं इस कार्यक्रम कहाँ से आई दो ही से हम लोग आए यहीं से हैं आप लोग दो ही आप लोगों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री जी तो क्या कहेंगे उनको ये कहेंगे कि हम ही लोगों को कुछ लाभ मिले हमारे लोगों के कुछ धंधा के लिए पैसा दिया जाए लाभ कुछ हो जाए जैसे कि गाड़ी उखाड़ी तो उठती नहीं है मसाले का काम करता नहीं है नहीं हो सकता है तो ये कुछ लाभ मिले तो मने कुछ धंधा कर ले है। आइए कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं भी हम उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। बहनों पर विशेष होकर सरकार ने किया था पिछली बार और इस बार उसी की बदौलत सरकार फिर से वापसी की है तो अब बहनों को लेकर के भविष्य में क्या उम्मीदें हैं आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं लगातार विभिन्न मांगों को लेकर के आप लोग
बातें रखती रही हैं अपनी, तो अभी सरकार से क्या उम्मीद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तौर पर? हम लोग को सरकार से ये उम्मीद है कि हम लोग को परमानेंट कर दे और कम से कम मानदेय लग कर दे, वेतन भोगी हटा दे, और जो जितना काम सौंपते हैं वो कुछ काम भी कम कर दें, अपने विभाग का ही काम दें, अन्य विभागों का काम बंद कर दें। मतलब एक रेगुलर करना चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। आप भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप क्या कहेंगी अगर मुख्यमंत्री महोदय से आपको बातचीत करने का मौका लगता है? बस यही कहूंगी कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, हम लोग का मानदेय भोगी से हटा दिया जाए, बस यही। तो कुछ महिलाएं थी हमारे साथ जिनसे हमने उनके मुद्दों को लेकर के चर्चा की। यहाँ पर शोर थोड़ा सा अधिक हो रहा है, इसलिए हम बातचीत करने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर महिलाओं की उम्मीदों पर यह सरकार खरा उतरने वाली है। और जो यह रीवा की आभार यात्रा है, जिन उम्मीदों के साथ यहाँ महिलाएँ और विभिन्न लोग आए हुए हैं, उनकी उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।